हेलो, इट्स अबुल फजल एंड हिज कामरान अहमद एंड वी आर एट एमएसटी लैब एंड टुडे वी आर परफॉर्मिंग स्ट्रिंग टेस्टिंग मशीन। दो होंगे इसके ऊपर प्रैक्टिकल, टू प्रैक्टिकल इज परफॉर्म, वन प्रैक्टिकल इज कंप्रेसिव टेस्ट एंड सेकेंड प्रैक्टिकल साइन टेस्ट, टू प्रैक्टिकल इज परफॉर्म। टोटली मशीन हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑयल कंप्रेशन हाइड्रोलिक सिस्टम, पूरी मशीन कंप्लीट है, हाइड्रोलिक ऑयल ही कंप्रेस्ड होता है। थ्री क्रॉस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टू क्रॉस है फिक्स, वन ये क्रॉस है ये मिडिल मूवेबल, स्प्रिंग कंप्रेसिव टेस्टिंग। और ये वाले कौन सी स्प्रिंग है? टेंसाइल टेस्टिंग। कुछ डेटा इसमें दिए हैं, लिख लिए आपको। कैपिटल डी सर कंप्रेसिव के लिए लिखे, कंप्रेसिव के काज में कैपिटल डी 9.14 सेंटीमीटर। स्मॉल डी स्प्रिंग वाइड आया, स्मॉल डी दैट इज कॉल्ड इज स्प्रिंग वाइड डाया। तो इसको लिख लिए 1.48 सेंटीमीटर। एन इक्वल टू सर सिक्स, उसके बाद लिखा होगा इसमें टेंसाइल टेस्टिंग कैपिटल डी 6.09 सेंटीमीटर आपने लिखा, कैपिटल डी 6.09 सेंटीमीटर, स्मॉल डी 1.04, एन इजिकल टू 18। ये डेटा आपके इसमें तो अभी दूर हो गया, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। फर्स्ट प्रैक्टिकल इज परफॉर्म इज कंप्रेसिव टेस्ट, इसका कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल इज कंप्रेसिव टेस्ट विद द हेलिकल स्प्रे। हाँ भाई, इसको उठाओ, इसको सर। हाँ, एक आदमी इधर ही आ गया है, उठाओ देखिए और उठा दे सर, बस ये आ जाए। हिट राइट, यस सर। तो अब इसको टाइप करिए बराबर से और टाइप करो। कॉन्टेक्ट नो टाइम, स्प्रिंग इज कॉन्टेक्ट इज
क्रॉस हेड ओनली कॉन्टेंट नो टाइप, टाइप नहीं करते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है क्या ये क्रॉस हेड इसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, इसके लिए ज्यादा नहीं टाइप, खाली कॉन्टेक्ट में आ जाए, ओनली कॉन्टेक्ट नो टाइम। इसका जो ग्रीन ग्रीन स्विच मशीन इज स्टार्ट, रेड स्विच पुश द मशीन ऑफ। उसके बाद ये मशीन्स, ये कैपेसिटी 2000 केजी, मशीन कैपेसिटी, मशीन की जो कैपेसिटी है वो 2000 है, 2000 केजी तक लोड बेयर कर लोगे। वन डिवीजन, कॉपी पीछे करना, लुक हियर, वन डिवीजन शो दिस 10 केजी, वन डिवीजन शो द 10 केजी, वन डिवीजन, देख रहे हैं ये स्केल डिवीजन 20 केजी, 20 केजी लोड, 20 केजी लोड दिस स्प्रे, 20 केजी इसपे लेंगे और स्प्रे पे देखेंगे। अभी देखिए स्टार्ट करते हैं, आपके समझ में आ जाएगा, सभी लोग इधर देखिएगा, हम चलाते हैं। जब मशीन स्टार्ट करते हैं तो इसको क्लोज कर देते हैं ऑयल को, व्हील ये पॉइंटर चलेगा, देखिए ये ब्लैक, ये ब्लैक पॉइंटर टू डिवीजन द शो, टू डिवीजन शो है भाई, दो डिवीजन चला है। यस, तो उसमें लिख लीजिए लोड में 20 केजी, 20 कंप्रेसिव, हाँ कंप्रेसिव, कंप्रेसिव वाला 20 हो गया, कंप्रेसिव में लोड 2 केजी, ट्वेंटी के जी है, 20 केजी, यस सर, 20 केजी वाई वो डिफ्लेक्शन, द शो इज वो डिफ्लेक्शन, देखो भाई कितना आ रहा है डिफ्लेक्शन, कितना है 1 पॉइंट, कितना है बस सामने से देखो, जो आके कायदे से देख ले वो आदमी जहाँ पे खड़ा हो, 0.7 mm है, mm सेंटीमीटर, हाँ सॉरी हाँ सेंटीमीटर, छोड़ो 0.7 सेंटीमीटर रिफ्लेक्शन ऑन द 20 केजी, 20 केजी लोड के ऊपर 0.7 डिफ्लेक्शन, हाँ अब सेकेंड फर्स्ट है, सेकेंड रीडिंग देखिए, सेकेंड ले लेते हैं 40 केजी, जरूरी है देखो ये 30 केजी है कि कितना है, 30 है ना, 30 है तो 20 नहीं है ये 30, अब सेकंड लेते हैं 60 के मतलब 3 डिवीजन और चलेगा, 3 डिवीजन और चल जाएगा लोड में 60 नहीं, हाँ सेकंड में, हाँ सेकंड रीडिंग भाई,
कुछ बना दे यार हम लोग को बन, ये भी बनना है आप देखो आया क्लियर सामने से देखो सामने से थ्री डिवीजन इज ट्रेवल इधर देखो थ्री डिवीजन देखो रिफ्लेक्शन देखो 60 ये सिक्स डिवीजन जीरो टू जीरो टू सिक्स डिवीजन ट्रेवल दिस पॉइंटर 60 आपको समझ में आ रहा है? अब 6 डिवीजन चल गया 6 के मतलब 60 हो गया तो वो देखो डिफ्लेक्शन 1.1 तो वो आप पूरे 1.7 था 1.4 फिर से करते हैं रुको यस सर यस सर इसको सही पढ़ना पड़ेगा ठीक है कुछ थोड़ी सी एरर भी हो सकती है तो उसको करेक्शन में कर लेंगे 1.4 कर देंगे लेकिन सर प्रैक्टिकल में गलत करेंगे तो नंबर 0 देंगे लेवल आना चाहिए कोई बात नहीं मशीन है चल रहा इसको पड़ी देखो कितना आया देखो बेटा अभी अभी तुम मत देखो काम चले आ गया हाँ तब ये 1.1 के आसपास आ सकता है लोड का कितना है लोड कम आएगा 30 डिफ्लेक्शन है 0.5 अब ये आ सकता है 60 पे 1 या 1.1 आ सकता है एडिट कर लो आगे एक वीडियो बना के डाल देना 15 डिवीजन और बढ़ाते हैं भैया वन करो इसको अबे 0.5 है 60 में सर ये तो बहुत कम आ रहा है तो अब पॉइंट आ जाएगा बना जाएगा ना 1.2 आ गया सर कामरा तुम ना देखो ठीक से देखो कितना रहा थोड़ा 1-8% एरर भी आ सकता है 1 1 है चलिए चलिए एकदम वही ना सिर्फ 1.0 भैया बहुत है मशीन है कुछ परसेंट को एरर होगी यस यस सर नीचे नहीं तो गलत हो जाएगा ये डंडा है काम तुम्हारे दिया अब देखिए देखो क्या बात है कितना या डिफ्लेक्शन 1.5 अभी सही आया डिफ्लेक्शन 1.5
सर भी बन जाती है। वो देखेगा टू जब लोड थोड़ा कम खुश होगा, जब लोड आपका सिक्वेंस में है तो डिफ्लेक्शन भी सिक्वेंस में आना चाहिए। लोड इज सिक्वेंस ऑर्डर, डिफ्लेक्शन इज सिक्वेंस ऑर्डर। जब लोड को अलग अलग लेंगे हम तो उसका अलग अलग आएगा। अब निकालना क्या है इसके अंदर, स्टिफनेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट। स्टिफनेस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दो चीजें निकालनी है। सेम प्रोसेस जैसे अभी हुआ था वैसे ही होगा। कोई इसमें डिफरेंस नहीं, ओनली स्क्रीन चेंज हुई है। ठीक है सर, ओनली स्क्रीन प्रोसेस सेम, तो प्रोसेस वैसे ही रहेगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। सही कह रहे हैं। खिंचाव भी ठीक है, हल्की है तो ना, पॉइंट सेंटीमीटर में होती है। मिला दो उसको इसी में, ट्वेंटी के जी लोड एंड डिफ्लेक्शन 0.6 0.6 सेंटीमीटर ही है सर, 0.6। सेकेंड देखिए, सेकेंड पे लेते हैं 40 खराब। देखो उसका डिफ्लेक्शन 0.6 दो डिवीजन चलेगा तो 20 kg, तीन डिवीजन चलेगा 30 kg, चलता रहेगा तो 2000 किलो तक चला जाएगा। ये पॉइंटर चल रहा है, जैसे ही वो चार डिवीजन पे आएगा इसको रोकेंगे नहीं आप, यहाँ स्विच से रोको। दो डिवीजन पे जैसे ही पॉइंटर आएगा यहाँ से ऑफ कर देंगे। अगर ऑफ नहीं करेंगे तो लोड इसको पर अप्लाई होता चला आ जाएगा। ये मैं नहीं, हमें नहीं आपको भी मालूम। 1 division 10 kg, 2 division, जितने भी चाहे खुद से रोकना है, जितना लोड लगाना है उतना पॉइंटर आप बढ़ाइए और वही रोक दीजिए मशीन को। बुझाया इसके बाद पहले कर दे 60 किलो 1 point। क्वेश्चन मेरा देखो 1 point ऑप्शन पर समझो। हार्ड रीडिंग रियल लाइफ का काम 60 kg भाई, इतना हार्ड रीडिंग यूज करते हैं झुकाने के बाद महिलाने ले सिकड़ा रहे हैं। देखो भाई कितना आया 60 क्या हुआ,
वॉल इज क्लोज एंड देन ओपन इज वॉल इज ओपन ऑयल ऑयल आफ्टर टू रिलीज हो जाए ऑयल इज रिलीज आउट अभी ओपन है ना सर दिस पार्ट इज पिस्टन ये पिस्टन पिस्टन जैसे जैसे ऊपर आएगा अपवर्ड होगा ये इसका आपका कंप्रेस होगा ये चलता है ये ऐसे ये पूरा जो है ये दो क्रॉस है टू क्रॉस है ये मूवेबल अपवर्ड अपवर्ड और डायरेक्शन ये इस तरीके से चलते हैं ऊपर ऐसे ये डायरेक्शन इज अपवर्ड और ये जो क्रॉस हेड है ये फिक्स रहेगा फिक्स ये रहे ये नहीं तो ये मूवेबल होगा ना कौन का तो ये वाला हाँ ये तो एक जगह जाके हम रोक देते हैं यस सर तो ये चलता है अच्छा उस टाइम पे चलता सही कह दिस क्रॉस हेड इज फिक्स जब बाद में टू क्रॉस हेड वन एंड टू अपवर्ड टू डायरेक्शन बाई पिस्टन के ही द्वारा चलते हैं किसी को और कुछ पूछना हो बताइए रीडिंग इसकी जो अभी सेल बताइए अभी तो किया अभी कंप्रेसिव था क्या कंप्रेसिव सेम प्रोसेस है खाली स्प्रिंग को चेंज किया ओनली स्प्रिंग चेंज दबाता नहीं चाहिए रंग से रंग करता ही इसको टाइट कर तब हम जाएंगे सर हाँ तो चेंज करोगे अरे भाई यूनिट को तो चेंज करने पड़ेगी सबको ऐड करके स्टार्टिंग में बोल के डाल देंगे यूट्यूब पे एक वीडियो बना लेना कि टुडे वी आर परफॉर्मिंग स्ट्रिंग टेस्टिंग मशीन कौन मशीन थे स्ट्रिंग टेस्टिंग मशीन क्या है और ये हमारे आमिर भाई लगाएंगे साहिल बनाता है बढ़िया तो मैं वीडियो बना सर कह रहे हैं तुम ही बोलो बोल सकते